वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। तो आज मैं आई हूँ यूपी वृंदावन में। तो अभी हम यहाँ से वृंदावन जाने वाले हैं, पहले कुछ खाने वाले हैं। सुबह के अभी 8 बजे हुए हैं, तो जस्ट हम सुबह ही पहुँचे हुए थे। तो अभी हम नहा के फ्रेश होके अब कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद में आगे का सफर तय करते हैं। चलिए। सो गाइस, हम मथुरा से बांके बिहारी मंदिर यहाँ वृंदावन पहुँच चुके हैं। तो अभी हम बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए चल रहे हैं, तो चलिए आ जाइए, आपको दर्शन कराते हैं। गाइस, अब हम बांके बिहारी मंदिर पहुंचने वाले हैं और एक अलग सी पॉजिटिव वेव आ रही है अंदर से, बहुत खुशी मिल रही है और आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये। चलिए चलते हैं। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे। तो फाइनली हमने बांके बिहारी जी के दर्शन कर लिए। एक इतना सुकून मिल रहा है अंदर से और इतना अच्छा लग रहा है, बट अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो इसीलिए अंदर के दर्शन आप लोगों को नहीं करवा सके हम। तो दर्शन करने के बाद अभी हम पानी की पीने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत भीड़ थी, बहुत हबड़ दबड़ हो रही थी अंदर, बट अब एक अलग सा सुकून मिल रहा है। तो चलिए मिलते हैं आगे। बिहारी मंदिर से नेक्स्ट मंदिर की तरफ चल रहे हैं, तो चलिए हम आपको दूसरे मंदिर के दर्शन कराते हैं। राधे राधे। गाइस, अब हम बांके बिहारी मंदिर घूमने के बाद आए हैं इस्कॉन मंदिर, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है। तो चलिए अब हम आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं। बहुत खूबसूरत मंदिर है और यहाँ पे जो भी पूजा वगैरह करते हैं ये सब अंग्रेज लोग ही करते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ही निर्मित है मंदिर। तो चलिए हम आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं। राधे राधे। सो आइए गाइस, मैं आपको प्रभुपाद जी के बारे में बताना चाहती हूँ कि प्रभुपाद जी ने हमारी हिंदू धर्म की भगवद गीता का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया, देश विदेश जाकर, जैसे इंग्लिश, चाइनीज, अरेबिक, जापनीज, कोरिया, ग्रीक, तुर्किश, फ्रांस, इटली इत्यादि देशों में जाकर इन्होंने हमारी भगवद गीता का ही प्रचार किया। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत। सो गाइज, यहाँ से जो ऊपर का रास्ता आपको दिख रहा है ये है प्रभुपाद जी की म्यूजियम। यहाँ पर प्रभुपाद जी के बारे में आप जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर 108 गोले बने हुए हैं जिसमें आप 108 बार बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुकून मिलता है ये सब बोल के। सो गाइज, मैं यहाँ पे खड़े होके देख रही थी कि ये मंदिर कितना अच्छा बनाया है और इसकी डिजाइनिंग कितनी खूबसूरत है, बट वैसे फोन में वैसा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, डोंट नो, बट सामने से बहुत खूबसूरत लग रहा था, बट ये बगल वाला ऐसे क्यों गया मुझे देख के पर मंदिर बहुत ज्यादा खूबसूरत था। अगर आप यहाँ आए तो प्लीज आइएगा। तो गाइस, अभी जो कोण मंदिर है ये बनाया है प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी के बारे में अगर हम बताएं तो प्रभुपाद जी ने ही जो हमारी भगवत गीता है इसको सारे जगत में फैलाया है। सारे जगत में हमारी भगवत गीता के अलग अलग स्वरूपों में लिखा है, अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। तो ये प्रभुपाद जी है, यहाँ पे इनकी समाधि भी बनी हुई है और ये समाधि स्थल को ही समर्पित किया गया है ये मंदिर, कोण मंदिर।
और जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पर प्रभुपाद जी की समाधि बनी हुई है। तो चलिए मैं आपको समाधि की तरफ ले चलती हूँ, यहीं पे जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ यहीं पे प्रभुपाद जी की समाधि बनी हुई है, आप देख सकते हैं। सो गाइज अभी हम इस्कॉन टेंपल में अंदर मेन मंदिर की तरफ आ चुके हैं और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत आध्यात्मिक है और अंदर से बहुत पॉजिटिव वेव्स आ रही हैं और यहाँ आकर मन शांत हो गया है। आज मन भी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोल रहा है। और यहाँ की जो मुझे मेन बात मुझे ये लगी थी कि यहाँ लोग कृष्ण नाम में ऐसे रमे हुए हैं कि उन्होंने अपना जीवन श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है। यहाँ आकर मुझे इतना सुकून मिला है। कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम राम हरे राम राम कृष्ण हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण। और मुझे इस टेंपल में इतना सुकून मिल रहा था, मेरा मन कर रहा था यहीं बैठे रहूं और हरे कृष्णा बोलते रहूं। मतलब मुझे इतना सुकून मिल रहा था, इतना सुकून मैं बता नहीं सकती। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. So guys, finally हम कोल्ड बाबा मंदिर घूम के आ चुके हैं। अब हम जाने वाले हैं राधा कृष्ण मंदिर। गाइस अभी मैं इयररिंग्स लेने आई हूँ, तो आप मेरे इयररिंग्स देख के बता सकते हो कि कौन से वाले अच्छे लग रहे हैं। अब इसके सेकंड वाले भी मैं लेने वाली हूँ, बहुत सारे इयररिंग्स लेने वाली हूँ, तो आप बताना कौन से वाले अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। सो गाइस अब मैंने सेकंड वाले ट्राई किया, अब आप ये बताओ ये वाले कैसे लग रहे हैं। सो गाइस अब मैंने थर्ड वाले ट्राई किए, तो आप ये वाले बताओ कि ये वाले ज्यादा अच्छे हैं या फर्स्ट वाले या सेकंड वाले या थर्ड वाले। ओके Pitch that keeps us. I'm here and I'm feeling. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still. Hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. So guys, finally, अभी हम एक बाकी बिहारी मंदिर में ही बैठे हुए हैं, तो अब ब्लॉग को एंड करते हैं क्योंकि अब हम रूम पे जाने वाले हैं। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय।